एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक्या पेश आया है। सब है उनके घर एक बच्ची काम करने जाती है, गाने गाँदी सी मार के, जिवें उन्हें मजा आंदा मार के बच्ची नूं। ते जज नूं इन्ना साडा एहसास है, उस अपनी बीवी नूं पेश करे उस जगह ते मारिया जिहड़ी जगह नहीं दसण वाली वी। अच्छा, बच्ची मेरे को लाई, ऐसा अंधेरा इंज दा सी, ओहदे पिछे लै गई, कह रही पीछे आ जा। बच्ची मैं कढ़ी विचों ते जिस टाइम बाहर कढ़ी ओ गड्डी चला के पाज गया, बच्ची मेरी नीचे गिर गई। अच्छा, कि आप जीरे वाले से अपील करते हैं भी सानू इंसाफ चाहिए और साडे सुभान के दौरा करे, साडी बच्ची वेखे आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, जिगर टुकड़ा होते हैं, और बेटियां तो शहजादियां होती हैं, लेकिन जब उनको मजबूरियां पड़ जाती हैं तो माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर भी करते हैं। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक्या पेश आया है कि एक जज साहब हैं, उनके घर एक बच्ची काम करने जाती है और उनकी अहलिया उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देती है। बच्ची इस टाइम जनरल हॉस्पिटल के ICU में है। बच्ची उनके घर कब गई, कितनी उम्र है बच्ची के? वालदैन मेरे साथ मौजूद हैं, सरगोधा से आए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसीं मैनूं इह दस्सो कि तुहाडी बच्ची जिहड़ी है ओह कितनी देर तो जज साहब दे घर काम कर रही सी? 7 महीने हो गए। अच्छा, पहले तुसीं उन्हां दे घर काम करदे सी? उन्हां दे घर नहीं। अच्छा, किन्हां दे कहण ते बच्ची जज साहब दे घर छड्डी? मैं किसी दे घर काम करी, उन्हां दे ज़रिए बच्ची भेजी है। अच्छा, ते वी काम वास्ते। मैनूं की पता मेरी बच्ची नाल इह हालात होणे, इस तरह होना। 7 महीने तो तुसी अपनी बच्ची की खबर नहीं लई? मेरे नाल 1 महीना रबता होया बच्ची नाल, बस शुरू। हाँ जी। अच्छा, फिर वो करती रही फोन ते, बाजी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बाजी नाल रह रही, दोनों असी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इस तरह ही कहती रही। बच्ची की उम्र कितनी है? है 15 साल। अच्छा, इतनी है। मैं इन्ना है, मैं इंसाफ मांगती भावे जज होया की। फिर मारिया उन्होंने रोज़ाना मारती होंगी, रोज़ाना मारती सफाई तो, रोज़ाना मार के ही 7 महीने कड़े उस बच्ची ने उत्ते। अच्छा, हूँ तो इंज असी भी मरी पई सी बच्ची मैं लेके। अच्छा, बहुत मैं परेशान हाँ, मैं बस फैसला। जदों 7 महीने तो बच्ची नु मार रहे ने, तुसी मिलन नहीं गए? नहीं गए, मैंने की पता मार रही है? मैं तो उन्होंने इतबार तो रखी भी जज बंदे बहुत अच्छे बंदे, मैं नहीं पता भी ये मारन गए। अच्छा, मैं क्या फैसले कर दे, नहीं मारन गए बच्ची नु। हुण होया कि जो बच्ची के ICU च एमरजेंसी है, चोटें लग लग के जड़ियाँ मारियाँ उसने, वो जहर फैल गया उसके अंदर सारा। अच्छा, हाँ जी, बाजू तोड़े, लत्तां तोड़ दियाँ, कंबर च मारिया, उस जगह ते मारिया जड़ी जगह नहीं दसण वाली भी बच्ची। अच्छा, फिर तुहानू फोन आया? फोन आया भी बच्ची लै जो काम नहीं करदी। ठीक है, कदों गए हो तुसीं? इतवार वाले दिन। अच्छा, 22 तरीक इतवार वाले दिन। फिर गई हाँ मैं इतों, 2 बजे चढ़ी हाँ इस्लामाबाद में। अच्छा, उत्थे गई हाँ जिते इस्लामाबाद का अड्डा है, उत्थे मैं उतरी, उन्होंने कहा इतने उतर जाना, मैं फिर रबता किया। उन्होंने तो कोठी का नहीं पता? नहीं जी। अच्छा, बच्ची भी मैंने उत्थे मिली, मैं गई कदी नहीं उधर। अच्छा, बच्ची मेरे को लाई, ऐसा अंधेरा इंज दा सी, ओहदे पिछे लै गई, कह रही पीछे आ जा, मैंने फोन करके कह रही पीछे आ जा शमीम, मैं पीछे चली गई। मैंने कहंदी है कूड़ा करकट तेरा अपना ले जा। अच्छा, बच्ची को मेरी नू कहंदी, मैं क्या मैं अपना कूड़ा करकट ले जानी हूँ। बच्ची मैं कढ़ी विचों ते जिस टाइम बाहर कढ़ी है वो गड्डी चला के भज गया, बच्ची मेरी नीचे गिर गई। अच्छा, मैं बच्ची वाल वेख्या तो परेशान भी, बच्ची का हाल की है, इस तरह का काला स्काप है, ऐसे मुँह तो मास मेरी बच्ची दे लगा है। अच्छा, भी पता ना चले, मान भी चोटा लगी है। अच्छा, बाद च उतारे मैं जो बच्ची वेखी तो पैर वाल वेखा तो मुँह वाल वेखा, मैं परेशान, मैं नहीं समझ आई मैं की करा की ना कर, मेरे जहन च यही आया बच्ची एक बार घर लै जा। अच्छा, मैं घर न लै जावा कोई उत्ते, फिर अपनी मियाँ दस, फिर मैं मियाँ फोन करवाया है इसी गुलाम अब्बास के नंबर पर, इनू मैं कहा मेरे मंगे नाल घर गल करवा दे एक बार, कह रहा खैर तो तू कितने, मैं कहा छड़ दे जिथे भी है मेरी मियाँ नाल गल। मियाँ ने मैं दस्या भी बच्ची की हालात बहुत मंदी, लत्तां भी टुटियां पईयां, बाजू भी टुटे पे, सिर भी पाटे पे, नक भी तोड़ी पई, अखियां भी मेरे हिसाब च नहीं हुई पई। मैं इंज उन्हें दस्या, यह भी आता मैं रोन लग पा कलाण लग पा, मैं उत्थे परेशानी, मैं उतो टिकट कराई औखी सौखी हो गए, बच्ची ने 9 बजे मैं उतो चढ़ी, 9:30 बज गए, दंद भी उसके तोड़े, चमचे मार के,
बच्ची ने सारे बयान दिते ने बयान बच्ची ने खुद दस रही बच्ची मेरी थोड़ी जी सवेरे बोलने वाली हो मैं वो दिन टू करावांगी दिखावांगी बयान देगी हां जी सारे बयान दिते बच्ची ने दस रही उसी की मैं बोल रही हूं मैं नहीं पता तेरी आंखों में आंखें इतनी मोटी हो गई ऐसे बंद हो गई बच्ची को नजर ही नहीं चाहता ऐसी ऐसी मोटी आंखें हो गई गाने गांदी सी मार के जिवें उन्हें मजा आंदा मार के बच्ची ने गाने गांदी सी जे जज नूं इन्ना साडा एहसास है उस अपनी बीवी नूं पेश करे दवे ठाणे गिरफ्तारी करावे मैं कहांगी जज ने मेरा इंसाफ किया फिर मैं उहदे ते खुश होवांगी बीवी नीनी मैं उहदी नहीं छोड़ना उहदी बीवी ने मारिया बीवी ने सारा जुल्म बीवी ने उहदी बीवी जज नूं इस गल दा नहीं पता पता होवेगा कह रहे पता उसने बच्ची नूं मेरी कह रही बच्ची पता उसको बच्ची ने कहा उसने कहा भी बच्ची ना कर टॉर्चर ना मर जज ने कहा जज नूं कहंदी जा उत्ते जाके सो जा चुप करके मेरी बच्ची बच्ची मेरी बयान दस रही मैं ये मेरा तो इस बच्ची का काम है तेरा कोई नहीं तू जा वो खामोशी ना चला गया मेरी बच्ची के उसे ना वो कोई पैसे वगैरह ले सी इन्ने महीने जो बच्ची का पता नहीं महीने दे महीने तनख्वाह लेंगे कितनी तनख्वाह देंगे 10,000 रुपये जी जी हाँ जी मैंने बच्ची ने जो हालत देखा है किस तरह देखा बच्ची हाँ जी बच्ची जो लैं क्या था मेरे जिया ना और बच्ची जो गाड़ी से लाई है बच्ची के टांगे भी टूट गई थी और बाजू भी टूटे हुए थे अच्छा। सिर जो सारा जख्मी हुआ था इतने तेरे चरग पड़े में कीड़े पे थे जिस सिर में कीड़े पाया सी सिर च आ पिंडा सारा जख्मी होया पाया बच्ची दिया बाहवा लत्तां तोड़ियां पईयां नक दे दंद तोड़े पै होर सारा पाड़िया पिया बहुत जुल्म किया बच्ची नाल आँखों च गूठे मार मार आँखों इतनी मोटी कर दी थी आँखें बच्ची की बंद हो गई सी ऐसी ऐसे समझा भी जैसे डेले भी निकाल दिए गए हैं बहुत जुल्म बच्ची के साथ किया वजीर आला से अपील करते हैं भी सानू इंसाफ चाहिए और साढ़े सुबह आन के दौरा करे साड़ी बच्ची वेखे आन के जी नाजरीन आपने जी उससे गुजारिश है आन बच्ची मेरी वेखण वाकई भी सच कह रही है औरत जी जज साहब की अहलिया ने बच्ची के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा कोई ऐसी हड्डी नहीं जो बच्ची की टूटी ना हो और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर जुल्म ना हुए हो अगर वो वक्त के बादशाह हैं और वक्त के काजी हैं तो फैसला उन्होंने फिर करना होगा अगर वो वाकई ही इंसाफ करते हैं जज साहब तो अपनी बेगम को वो लेके आए पेश करें और फिर फैसला लिखें ताकि आने वाले वक्त में किसी और बच्ची के साथ इस तरह का जुल्म ना हो और क़यामत आने से पहले ये ज़रूर बताएगी कि क़यामत ज़रूरी क्यों थी वो इसलिए ज़रूरी थी कि आज आपने देखा कि 14 से 15 साल की बच्ची के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं 7 महीनों में बच्ची के सर में कीड़े पड़ चुके हैं टांगें टूट गई हैं उनकी आँखें तक आँखों में उंगलियाँ मारी और गाने गा कर बच्ची को मारा गया ये कौन सा इंसाफ है हम किस मुल्क में रह रहे हैं फैसला आप पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बच्ची की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त है और इन वालदैन को अल्लाह सब्र दे जब भी अपने बच्चे कहीं आप छोड़ें तो प्लीज़ पहले देख लें और सर्च कर लिया करें और अपने बच्चों के पीछे ज़रूर जाया करें आपके सामने वीडियो अगर 22 साल के बाद एक बच्ची मिली छोड़ो ही ना अपने बच्चों को अपने भूखे रह लें खुद मेहनत कर लें लेकिन अपने बच्चों को किसी के घर ना छोड़ें थैंक यू